मैं एक अदना उलमा का खातिम अहले हदीस हूँ। मैं ये जो बातें शेयर करता हूँ अवाम उन्नास के लिए ज़ौक और मोटिवेट करता हूँ कि उनको ज़ौक पैदा हो कि जैसे मैंने तहकीक की उलमा के साथ वाबस्ता रहकर, आप भी इस तरह शौक़ रखें, शौक़ रखें। ऐसा नहीं है कि आप आलिम बनेंगे तब आपको समझ आएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं, हदीस पाक है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, दीन की समझ अता फरमाते हैं, दीन की फ़िक्र अता फरमाते हैं। तो उलमा मेरे सरों का ताज हैं। मैं अक्सर ये उलमा देवबंद पर तनकीद करता था, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। मैं अल्लाह से भी तौबा मैंने की है और उलमा देवबंद से भी मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरे जो हम मसलक हैं उनको क्यों तकलीफ़ होती है? मैं तो अपनी बात शेयर करता हूँ, मैं उलमा पर तो तनकीद नहीं करता कि ये बुरे हैं। वो ये बात थी कि मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह या फिर मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल फ़ज़ाइल सदक़ात लिखी है, उनका वाक़िया हमें बताया जाता कि जी आखिरी उम्र में बीमार हो गए थे। मैं उस तनकीदी लहजे में बात करूँगा जो मैं करता था या मुझे सिखाई गई बताई गई। वो भी आलिम थे, सब मसलक में उलमा ऐसे मौजूद हैं, अच्छे भी हैं, मोतदिल भी हैं और मसलक की तासुब रखने वाले भी हैं। उलमाए अहले हदीस में, उलमाए देवबंद में, उलमाए बरेलवी में, तीनों में हैं। तो हमें बताते कि जी आखिरी उम्र में बीमार थे तो उनको हुकुमा ने मना कर दिया था कि आप ज़हनी काम जो है काम ना करें, लिखना पढ़ना छोड़ दें। तो जी उन्होंने हुकमा के मना करने पर भी उन्होंने ये हमारे अजाब के लिए फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात लिख मारी और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ज़ईफ़ हदीसें डाल दी। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, जब हुकमा ने मना किया था तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत थी। मैंने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने मेरे दिल में डाला अब मैं बीमार हूँ। बीमार की कैफियत डायरेक्ट अल्लाह के साथ होती है कि वो मैं जब वीडियो बनाता हूँ हज़ार मरतबा सोचता हूँ और उसको सुनता हूँ कहीं मैंने गलत बात तो नहीं कर दी। तो जो बीमार बंदा होता है वो क्या कहेगा कि मैं ऐसे ही अपनी आकबत ख़राब कर दूँ। फिर वो आलिम अल उलमा वरासतुल अंबिया, आलिम हो बुज़ुर्ग हो, मुझ जैसा पलीद इंसान नाचीज़ इंसान ये हज़ार बार सोचे कि मैं ऐसी कोई बौगी या गलत बात ना करूं कि मेरी गिरफ्त हो। इंसान तकवे के इतना करीब हो जाता है जब बीमार होता है, उस वक्त अल्लाह के करीब होता है और वो कभी नहीं कहता कि मैं, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। सारे बीमार भी ऐसे नहीं, अल्लाह पाक जिन पर राज़ी होते हैं तो वो पीछे लौट कर आते हैं। इंसान है, गलती हो जाती है तो इंसान माफ़ नहीं करता, अल्लाह के दरवाज़े खुले हैं। अल्लाह ने 80 साल की उम्र तक भी मरने से सकरात लगने से पहले तक होश हवास में है, तौबा कर ले, अल्लाह के दरवाज़े खुले हैं।
इसको उलमा फरमाते हैं सुबह का भूला हुआ शाम को खा रहा जाए। अल्लाह अकबर, देखें अब सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए। 17 साल से 18 साल से लेकर 80 साल तक अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, हम माफ़ फरमा देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं, एक तो मेरे आमाल नहीं, फिर मैं किसी पर तनकीद करके अपने आमाल मजीद या गुनाह मजीद अपने ऊपर चढ़ाऊँ। मुझे डर लगता है, अल्लाह से भी बार बार मैंने तौबा की है। रात को जब अल्लाह तौफीक देते हैं 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठने में अपनी मगफिरत और आका करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक और अल्लाह का जिक्र मैं करता हूँ। मैं अपने ऊपर क्यास करके यही बात कह रहा हूँ कि जो बीमार बंदा है वो गलत बात नहीं कर सकता। अगरचे कोई भूल चूक हो गई, मिस्टेक हो गई, हमें उछालने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अच्छी नीयत समझकर वो किताबें लिखी, आसान उर्दू में, शायद कि वो अरबी में थी, फिर ट्रांसलेट करके उसको उर्दू में किया गया, अवामुन्नास के लिए, मुझ जैसे आमी के लिए। अल्लाह पाक मुझे मज़ीद तौफीक अता फरमाए। उलमाए कराम जिंदाबाद, अवामुन्नास अकल के नाखून लें, अपनी आकबत बर्बाद ना करें, ना करें, ना करें, अपनी आकबत संवारें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।